आज बैंकों में पुराने नोटों को जमा करने का आखिरी दिन है। 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट रिजर्व बैंक में जमा होंगे, तो वहीं सरकार ने पुराने नोटों के लेन देन पर शिकंजा कस दिया है। अगर कोई 31 मार्च 2017 के बाद 500 या 1000 रुपए के पुराने नोट रखेंगे तो उसको भारी जुर्माना देना होगा। अब 31 मार्च 2017 के बाद एक समय में 10 से ज्यादा नोट रखने पर पाबंदी रहेगी, फिर चाहे ये नोट 500 के हों या 1000 के। रिसर्च के बाद भी अधिक से अधिक 25 नोट रख सकते हैं। नोट जमा करते वक्त गलत जानकारी देने पर 5000 रुपए जुर्माना या जमा रकम का 5 गुना जुर्माना देना होगा। यही नहीं, 30 दिसंबर के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करने के लिए कठोर शर्तों को पूरा करना होगा। 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट जमा करने से पहले ये बताना होगा कि आखिर अब तक नोट क्यों नहीं जमा किए। इसके साथ ही खुद अगर रिजर्व बैंक नहीं पहुँच सकते तो डाक के जरिए पुराने नोट और साथ में घोषणा पत्र भेज सकते हैं। घोषणा पत्र में ये बताना होगा कि खुद क्यों नहीं आए और अब तक नोट क्यों नहीं जमा किए। पुराने नोट जमा करने का आज आखिरी दिन है और बैंकों में पुराने नोटों को जमा करने के लिए लोगों की भीड़ भी जुड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि आज लास्ट डे है, आखिरी मौका है। इसके बाद रिजर्व बैंक में ही आप नोट जमा कर सकते हैं और 10 से ज़्यादा अगर आप नोट जमा करते हैं तो RBI आपसे पूछताछ इस मामले को लेकर कर सकती है। 31 मार्च 2017 के बाद जुर्माना भी लग सकता है। नोट जमा करते वक्त गलत जानकारी देने पर 5000 का जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है या फिर रकम का 5 गुना जुर्माना भी लग सकता है।